अस्सलामुअलैकुम जी, ये देखें जी आज हम बर्गर बनाने वाले हैं और ये क्रिस्पी चिकन पैटी है जिसको आज हम बर्गर बनाएंगे घर पे रह के। आज बारिश का मौसम और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और तूफ़ानी बारिश, जिसका हम घर में ही मज़ा आज लेंगे, एंजॉय करेंगे आज। ये देखें जी, ये वो पैटी है चिकन की जो आराम से रेडी हो जाती है 3 से 4 मिनट में और आप घर में आप मज़ा ले सकते हैं इसको। और देखें जी इसका माशाल्लाह रंग कैसा ज़बरदस्त निकला है और ये 2-3 मिनट में, इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और एक साइड में हमने चूल्हा जलाएंगे, साइड सेकेंड भी, उसके ऊपर हम रखेंगे इसको, बंद टोस्ट करेंगे और दूसरी साइड पे हम इसको पैन में ही बन को टोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ इसमें मैं और इसको बन को ऐसे थोड़ा सा पका लें टोस्ट करने के लिए। आप ये ज़बरदस्त बना है, मैं टोस्ट हो गया और मन साथ साथ टोस्ट हो रहा है हमारा। और इसको हम, और आपको ये कलर नज़र आ रहा होगा, ज़बरदस्त कलर हुआ हुआ है इसका, ब्राउन सा है, टोस्ट हो जाता है हल्के से पैन में, ऑयल लगाओ तो टोस्ट हो जाता है। एक साइड में हमारे देखिए फ्राइज भी बन रहे हैं और फ्राइज बनते बनते हम साथ हम ये देखेंगे। और आलू मैंने साइज़ के काटे हैं, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक काटे हैं और ऐसे तो मैकडोनल्ड और KFC में मिलते हैं और आज ये देखें हम घर पे ऐसे फ्राइज को एंजॉय करेंगे, बारिश का मौसम है, एंजॉय करेंगे। और दो हम बन ले लेंगे और इस पे ये देखेंगे, एक साइड पे हम डालेंगे गार्लिक मसाला के ऊपर हम ये लेटस डालेंगे और लेटस ये कटी हुई आम मार्केट से आपको राम सुकून से मिल सकती है। और ये देखें जी बर्गर पैटी है हमारी और एक साइड पे ये देखें केचप है, ये भी आपको दस्याब मार्केट में मिल जाता है। ये पैटी के ऊपर डालें या आप ऊपर वाले बन टोस्ट बन वाली साइड पे डालें और इसको हम कर देंगे ऐसे बंद और पैटी को हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे रैप कर देंगे और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें कि हमने फिर सेकेंड में बन ऐसे और इस पर डालेंगे लेटस और लेटस के बाद हम डालेंगे सेकेंड पैटी पे हम डालेंगे केचप और ये चिली केचप है, हमने नॉर्मल केचप नहीं डाला हमने। और इस पर हम डालेंगे पैटी और ये हमने बन रख दिया और ये देखेंगे हम इसको ऐसे हम रैप कर लेंगे। अगर आपको मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।